Welcome to EdTech Weekly, Voices from the Ground, where we talk to people in education about their responses to the current COVID-19 crisis in 10 short minutes. This podcast is a part of the Connected Open Online Learning Initiative of the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Over to our host for today. Namaskar, main hoon Surbhi, aapki host. आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं चंदन झा जी के साथ। चंदन जी दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के साथ एक मेंटर के तौर पर काम करते हैं। चंदन जी शिक्षकों को स्कूल आधारित सहयोग भी प्रदान करते हैं और उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग में भी शामिल हैं। वेलकम सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस कोविड-19 महामारी के समय में आप शिक्षक या मेंटर के तौर पर किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? इस कोविड महामारी के समय में एक शिक्षक मेंटर के तौर पर अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने आई। इसमें पहली समस्या यह थी कि सभी बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दूसरी चीज कि अगर एक ही घर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या एक से ज्यादा है तो माता पिता को यह चुनना पड़ता था कि कौन से बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सके। एक और भी समस्या है कि अधिकांश बच्चे हमारे स्कूलों में वैसे पढ़ने वाले हैं जो अन्य राज्यों के मूल निवासी हैं, और जब भी लॉकडाउन में ज़रा सी भी छूट मिली या यह कह लीजिए कि जब लॉकडाउन खोला गया, ट्रेनें चलने लगी, तो वो बच्चे अलग अलग तरीक़ों से अपने शहरों को वापस लौट गए। तो अधिकांश बच्चे जो हमारे स्कूलों में स्टूडेंट के तौर पर आते हैं उनका अगर कहा जाए तो 40% बच्चे लगभग अपने गांव में लौट गए, जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें जो उनके लिए यहाँ की जा रही हैं तो उस तरीके से उन तक नहीं पहुँच पाई। ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आई। जी, तो स्कूल में बच्चों की पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपने किस तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया है स्कूलों में? क्या आप किसी विषय का उदाहरण देकर हमें बता सकते हैं? बच्चों के पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अलग अलग तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सबसे पहली कोशिश रही इस बात की कि अधिकांश बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेस के लिंक भेजे जा सके। दिल्ली के सभी स्कूलों में एडमिशन के वक्त ही बच्चों का डेटा पॉपुलेट किया जाता है, जिसमें मोबाइल नंबर भी रजिस्टर किया जाता है। उसी डेटा के जरिए बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेस के लिंक भेजे गए, जिसके जरिए वो लॉगिन करके उन क्लासेस को अटेंड कर पाए। दूसरी बात यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि वैसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए हमने IVR कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी उन तक लिंक को भेजने की कोशिश की, ताकि जब भी उनको मौका लग सके वो अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को देख सकें। और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई, जिसमें उन्हीं ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी बच्चों के साथ शेयर की है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि मैथमेटिक्स के लिए खान एकेडमी, इंग्लिश के लिए ब्रिटिश काउंसिल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैकमिलन जैसी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि ये सभी संस्थाएँ अपने क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं और इनको बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से किया जाना है उसका एक अच्छा खासा अनुभव है, तो काफ़ी सही तरीके से चीज़ें बच्चों तक पहुंच पाई। सर मैं ये भी जानती हूं कि आप बतौर मेंटर टीचर शिक्षकों के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी आपकी भूमिका रहती है। आपके विचार से किस तरह के इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत इस समय शिक्षकों को है और किन क्षेत्रों में उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है? एक मेंटर टीचर के रूप में हम टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए रहते हैं। इस कोविड एरा के शुरू होने से पहले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम टीचर्स की ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम OCBP जो कि चॉकलेट ऐप के जरिए टीचर्स को उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि एक साथी अध्यापक को अपने स्कूल को छोड़कर लंबी दूरी तय करते हुए ट्रेनिंग के लिए ऑनसाइट नहीं आना पड़ता, वो अपने सुविधा अनुसार कहीं से भी उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है
और उस ट्रेनिंग में जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं वो उसका जवाब देते हुए अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा खासा वक्त दिया जाता है और ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए भी अमूमन 10 से 15 दिन का वक्त दिया जाता है। पूरे ट्रेनिंग में कुल 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है, जो एक साथी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इस ट्रेनिंग को वो पूरा कर पाते हैं। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग क्लास और अलग अलग टॉपिक के अनुसार प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए टीचर स्वयं ही गूगल फॉर्म भरकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो आने वाली ट्रेनिंग किस विषय, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इन सर्विस ट्रेनिंग की, तो अभी फिलहाल हमारे डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उन्होंने टीचर को अपनी एजेंसी प्रैक्टिस करने के पूरे अवसर दिए हैं, और जिसके जरिए हम लेट्स टॉक एजुकेशन नाम की टॉकिंग सीरीज चलाते हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग एजुकेशन फील्ड के लोग आकर के हमसे अपनी बात रखते हैं, चाहे वो असेसमेंट के ऊपर हो, रूब्रिक डेवलपमेंट के ऊपर हो, या फिर मैं कहूँ कि जो हमारी नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया था उसके अलग अलग चैप्टर्स का डिस्कशन हो। इससे फ़ायदा यह मिलता है कि ये डिस्कशंस ओपन होते हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होने की वजह से शिक्षक स्वेच्छा से इनमें भाग लेते हैं और जो कुछ भी उनके मन में सवाल होते हैं वो उनको यहाँ पर पूछ सकते हैं, पूछते हैं और आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम दूसरे सीरीज को भी शुरू कर पाए। और अब तक दूसरे सीरीज में 10 ऐसे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं और पहले सीरीज के दौरान हमने 22 अलग अलग टॉपिक्स पर इन पर बात की। तो सर, इस समय जो ट्रेनिंग आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, क्या वो आपकी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है? इस समय में हम टीचर्स अपनी एजेंसी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम पर ये जोर नहीं डाला जा रहा है कि हमें कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी ट्रेनिंग नहीं करनी है। एक टीचर होने के नाते मुझे मेरी आवश्यकताओं के बारे में बेहतर तरीके से पता है। मुझे ये बेहतर पता है कि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में, या यह कह लीजिए कि ऑनलाइन टीचिंग के जो अलग अलग टूल्स हैं उनके इस्तेमाल में मैं कितना सहज हूँ और मैं कितने अच्छे तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल आने वाले समय में अपनी क्लास के लिए कर सकता हूँ। तो अलग अलग टीचर जो हमारे साथी हैं वो अलग अलग ट्रेनिंग्स में खुद ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और साथ ही साथ वो ऐसे ट्रेनिंग के बारे में हम तक सूचनाएँ भी भेज रहे हैं, ताकि जो भी दूसरे साथी इंटरेस्टेड हैं वो इन ट्रेनिंग में अपने आप को रजिस्टर करें और इन ट्रेनिंग को कर सकें। ये तो बात हुई शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की। लॉकडाउन के पश्चात स्कूलों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से किस योजना पर काम किया जा रहा है, क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? स्कूल को लॉकडाउन के बाद खोलने के लिए अभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें CLDP क्लस्टर लेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए स्कूलों से योजनाएं मांगी गई हैं कि वो अपने तौर पर यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय की क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से वो उसका अपने स्तर पर हल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर MHRD के जो भी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस आते हैं उसको भी पूरा ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय में स्कूलों को खोलने की योजनाएं बनाई जाएंगी। आखिर में मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि इस COVID-19 महामारी के बाद अगर आप कोई एक चीज शिक्षा या शिक्षण के बारे में बदलना चाहेंगे तो वह क्या होगी? इस COVID-19 महामारी के बाद अगर देखा जाए कि एक चीज़ जो हमें एजुकेशन और टीचिंग प्रैक्टिसेस में बदलने की ज़रूरत है तो वो होगी कि हम कैसे RTE को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। RTE ने कहा था कि PTR 1:30 होना चाहिए और अभी बार बार फिजिकल डिस्टेंसिंग, हालांकि मीडिया ने सोशल डिस्टेंसिंग टर्म को प्रचारित और प्रसारित किया है, लेकिन UN ने भी कहा है कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है जिसमें हमें इमोशनली कनेक्ट रहना है, सोशली कनेक्ट रहना है, बट एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो अगर RTE सही तरीके से लागू हो सके तो मैं कहूँगा कि समस्याएं फिर भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी और चीज़ें बेहतर तरीके से हम अपने स्कूलों में लागू कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। We will be back with another episode next week. This podcast is brought to you by
the Connected Open Online Learning Initiative of the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.